हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज वीडियो में प्लांट टिश्यू कल्चर उपर किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा, जोटा कि आपंकर अपकमिंग बीड एंट्रेंस बहुत इंपोर्टेंट रहा है। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और सांग सहित वीडियो को थर थे सेयार कर दिंतु। आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसान चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमें वन जीवा क्वेश्चन नंबर वन आप रहा, द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यूज इन आर्टिफिशियल मीडिया इज कॉल्ड। तो प्लांट मानकर ग्रोथ आर्टिफिशियल मीडियम रे करिया को हम कौन कही था, तो तार राइट आंसर टी हिजबो प्लांट टिश्यू कल्चर बोली कही था। कौन कही था, प्लांट टिश्यू कल्चर बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट आप रहा, ए प्लांट सेल इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ ट्रू ना फॉल्स, तो आप जानते प्लांट सेल गोटे आपंकर कौन ना यूकैरियोटिक सेल, तो ऑप्शन नंबर बी हिजबो फॉल्स हिजबो करेक्ट। नेक्स्ट, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल भितर क्यों गोटे फीचर्स नुह आपको तो देखिए देखो, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियल्स, सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल सेल कम्युनिकेशन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिड्स। तो राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियल इट इज ए नॉट फीचर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखो, नेम द टर्म गिवन टू द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस द प्रड्यूस द डिफरेंशिएटेड सेल इन द ऑर्गेनिज्म। तो आपर गोटे सिंगल सेल कैपेबिलिटी थी कौन करने को ना छोट छोट सेल आपर भांगिक डिफरेंट सेल कन्वर्ट होगा, तो से कैपेबिलिटी को आप टॉटी पोटेंसी कही था। कौन कही था, टॉटी पोटेंसी कही था। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट, टॉटी पोटेंसी करेक्ट। जानपारे नेक्स्ट पॉइंट को आसवा नंबर फाइव को आम जा क्वेश्चन नंबर फाइव आपको, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया यूज फॉर प्लांट कल्टिवेशन। तो कही आभर क्यों जो आप प्लांट कल्टिवेशन जो कल्चरल मीडिया कल्चर मीडिया यूज कराए, तो तार गोटे बेसिक कंपोनेंट आभर क्यों नुहे। तो ऑप्शन नंबर ए रहा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, देन देला अमीनो एसिड्स, देन देला सेरम एल्बुमिन, देन देला सुगार बा ग्लुकोज, तो सुगार बा सुक्रोज। तो राइट आंसर हो देखो, ऑप्शन नंबर आपंकर सी जोटा कि आपंकर सेरम सेरम एल्बुमिन होटा गोटे कंपोनेंट नुहे, तो सेरम आल्बुमिन हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखो, जदि आम देखा तो आमर जो बेसिक कंपोनेंट रहा जोटा कि आपंकर कल्चर मानने प्लांट टिश्यू मानने कल्टिवेशन यूज होता है, तो से बेसिक कंपोनेंट गुड़ा हूँ कौन ना एसेंशियल एलिमेंट्स एंड मिनरल आयन जोटा हूँ मैंने आपंकर अमीनो एसिड, सुगार आउ आपर कौन ना जेलिंग एजेंट, तो युवा हूँ सब कौन ना बेसिक कंपोनेंट गुड़ा। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा, तो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आगर इज ए जेलिंग एजेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो राइट आंसर कौन हम, ऑप्शन नंबर ए रे देला नॉट डाइजेस्टेड बाय प्लांट एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी रे देला इट डजंट यूज इन माइक्रो प्रोपागेशन वर्क, नेक्स्ट देला इट वर्क्स नॉट इट डज नॉट रिएक्ट विथ मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट, देन आप देला रिमेन स्टेबल एट इन कंबशन टेम्परेचर। तो राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर बी, इट डजंट यूज इन माइक्रो प्रोपागेशन वर्क, तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो आ भितर क्यों गोटे प्लांट ग्लो मानने प्लांट मानक ग्रोथ रेगुलेटर आकार रे एक्ट करे ना, तो ऑप्शन नंबर ए रे देला ऑक्सिन, बी रे देला आपनर साइटोकाइनिन, सी रे देला आपनकर एस्किबिक आपनु देला एब्सिसिक एसिड, देन आपनु देला पॉलीफिनोल। तो राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी हम, तो एटा गोटे पॉलीफिनोल गोटे आपनकर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हिसाब रे आपनर एक्ट करे ना, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन इन द टिश्यू कल्चर सिस्टम। तो साइटोकाइनिन र टिश्यू कल्चर सिस्टम रे मेन इफेक्ट कौन रोज साइटोकाइनिन र, तो ऑप्शन नंबर ए रे देला एडवांटेजियस सूट फॉर्मेशन, इंडक्शन ऑफ सोमाटिक एम्ब्रेज, देन देला एडवांटेजियस रूट फॉर्मेशन, देन देला सूट एलोंगेशन। तो राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर आपंकर ए जोटा हूँ एडवांटेजियस सूट फॉर्मेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट देला Which one of them is not the main effect of polyamines in the tissue culture system? तो पचारा which one of them is not the main effect of polyamine in the tissue culture system? तो ऑप्शन नंबर ए देला promotion of tuber and ball formation, advantageous root formation, next देला promotion of shoot formation, next देला somatic embryogenesis। तो right answer टी हम ऑप्शन नंबर आप ए प्रमोशन ऑफ ट्यूबर एंड बॉल फॉर्मेशन, तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आप रहा,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग को क्यों प्लांट हार्मोन आपन कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए देला इथाइलिन ऑक्सिन गिबरलिन देन देला एस्किबिक एसिड। तो राइट आंसर डी ऑप्शन नंबर ए इथाइलिन है जो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा, तो नेक्स्ट पॉइंट आपन पई रहला द ग्रोथ ऑफ एनिमल, द ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन विट्रो इन ए सुइटेबल कल्चर मीडियम इज कॉल्ड। तो ताको आपन कौन कह जाए, तो ताको आपन एनिमल सेल कल्चर बोली कह जाए, तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा, तो नेक्स्ट पॉइंट देला सेल्स फ्रॉम किडनी टिश्यूज कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, इट रिक्वायर्स अदर सरफेस फॉर अटैचमेंट एंड सर्वाइवल। तो राइट आंसर डी हम ऑप्शन नंबर ए, माने आपनरा एटा होची ट्रू ना फॉल्स स्टेटमेंट देला, तो एटा हिजो ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे रहला नेम द टाइप ऑफ कल्चर व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय आपन देला इनोकुलेशन डायरेक्टली फ्रॉम द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कल्चर मीडिया। तो ऑप्शन नंबर ए रे देला प्राइमरी सेल कल्चर, बी रे आपन पे रहला सेकेंडरी सेल कल्चर, डी सी रे आपन पे रहला सेल लाइंस, तापर डी रे रहला ट्रांसपोर्ट सेल कल्चर। तो राइट आंसर डी हम ऑप्शन नंबर ए आपन पे हे जइबो करेक्ट, प्राइमरी सेल कल्चर आगु कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपन पे रहइबो, तो नेक्स्ट पॉइंट रहला व्हाट इज ए सेल लाइन। तो सेल लाइन कहले आपन कोन बुझंती ना, सेल लाइन कहले हमें सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी कल्चर बोली हमें बुझथौ, सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी कल्चर। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेम द ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच फर्स्ट सेल लाइन वाज ऑब्जर्व। तो क्यों नेम द ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच फर्स्ट सेल लाइन, तो क्यों ऑर्गेनिज्म, तो सी है जो हमारा माउस। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स किए, तो ऑप्शन नंबर ए रे देला आपनकर अनकरेज इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस सेल लाइन्स डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर, तापर देला नो कांटेक्ट इनहिबिशन। तो राइट आंसर डी हबो ऑप्शन नंबर आपन पई सी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को जाबा, नेक्स्ट पॉइंट देला नेम द सेल लाइन ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग। तो नेम द सेल लाइन ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग, तो ऑप्शन नंबर ए रे देला HELA, तापर देला WASH, तापर देला L, तापर देला MRC5। तो राइट आंसर डी हबो ऑप्शन नंबर आपन पई डी MRC5। नेक्स्ट आपन देला देखंतु कोन, नेक्स्ट आपन पई रहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोथ मीडियम फॉर एनिमल कल्चर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोथ मीडियम फॉर एनिमल कल्चर, तो ऑप्शन ए रे देला स्टार्च, बी रे देला सेरम, सी रे देला कार्बन सोर्स, तापर देला इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो राइट आंसर डी हबो ऑप्शन नंबर आपन पई ए स्टार्च है जो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ सेरम। तो सेरम रो गोटे मेजर फंक्शन केउटी नुहे आपन कहिछि, ऑप्शन नंबर ए देला फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर एंड बॉल फॉर्मेशन, तापर देला स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, एनहांस सेल अटैचमेंट, तापर देला प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो राइट आंसर डी हबो ऑप्शन नंबर आपन पई ए है जो करेक्ट, प्रमोशन ऑफ ट्यूबर एंड बॉल फॉर्मेशन, तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखंतु आम डिस्कशन कले टिश्यू कल्चर किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो गोटे लाइक करेंगे, सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे, आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आसते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो थैंक यू।